नमस्कार साथियों, वेट सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह। आज बात करेंगे अगर यूट्रस में गांठ है तो उसका होम्योपैथी क्या ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्विक्स के आगे है वो गांठ पाई जाती है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, और जब पशु हीट में आता है तो AI गन है वो भी क्रॉस नहीं होती। अगर अपने नेचुरल तरीके से करवाते हैं तो बुल है वो बुल प्रॉपर रूप से सीमन यूट्रस में नहीं दे पाता। तो इसका होम्योपैथिक क्या ट्रीटमेंट करना, अपने एक रामबान मेडिसिन होम्योपैथिक में जिसे थूजा है, ये 10 ml है। तो इसका जो डाइल्यूशन है, ज़्यादातर जो होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक डॉक्टर है उनके पास ये मिल जाता है, तो इसकी 10-10 ड्रॉप्स है वो BD शुरू करवानी है, और कम से कम इसको 1 या 1.5 महीने तक दें। तो दोबारा अपने जब पालपेट करेंगे यूट्रस को तो प्रॉपर रूप से वो यूट्रस है नॉर्मल हो जाएगा, और जो फाइब्रोइड है वो गांठ है एकदम खत्म हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।